टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान। आपको बता दें कि हम इस वक्त जो है घाटमपुर की जो है लोकप्रिय विधायक सरोज कोहिल जी के आवास पर आए हुए हैं। अब से कुछ देर पहले जो है उनकी उनका जो है जनता दरबार चल रहा था। उन्होंने काफ़ी क्षेत्र के जो यहाँ के इनके बासिंदे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के, आप अक्सर जो है जब भी आपको वक्त मिलता है तो आपका आप कितने ही व्यस्त हों आप हमेशा जो है अपनी जनता के लिए यहाँ के जो है विधानसभा के निवासियों के लिए आप हमेशा वक्त निकालती हैं। आज मैडम कैसा रहा आपका जो है जनता दरबार? आज चूंकि शनिवार और रविवार मेरे दो दिन जनता दरबार हफ्ते में लगता है और आज रविवार का दिन है और कल चूंकि हम लोग कई कार्यक्रम लगे थे इसलिए कल कुछ कम लगा पाए थे देर से, लेकिन हमने कल भी लगाया था और आज भी लगाया। जी तो किस तरह की समस्याएँ जो है आती हैं आपके पास जनता दरबार में? जनता दरबार में हमारे पास ज़्यादातर ज़मीन हो गई, पुलिस से संबंधित हो गई और कुछ महिलाओं की समस्याएं होती हैं और जो चोरी की भी समस्याएं आती हैं कि और इसी तरह से कई तरीके की समस्या है। किसी की जो है वृद्धा पेंशन नहीं है तो किसी का जो है आवास नहीं है, इस टाइप की समस्याएं बहुत सारी आती है। सड़कों की समस्याएं बहुत आती है, बिजली सोलर लाइट की भी समस्या आती है, लाइट नहीं है या कुछ भी उस टाइप की। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी, जब आप जनता दरबार में लोगों से रूबरू होती है तो एक मिठाई का डब्बा जो है आपकी टेबल पर रखा रहता है और आपकी आप जैसे ही वो आते हैं अपना पीड़ित लोग जब आते हैं तो आप सबसे पहले उनका जो है मुंह मीठा कराती हैं। तो ये मतलब एक बहुत सोचने वाला विषय है कि जैसे ही वो व्यक्ति आए उसका काम तो आप करती हैं, साथ साथ जब उसके सामने जो है मिठाई का डिब्बा प्रस्तुत करती हैं उनका मुँह मीठा कराती हैं तो एक अजीब सा एक भाव आपको देखने को मिलता है, तब कैसा महसूस करती हैं आप? मैं तो अपनी जनता को जो है कहते हैं ना कि जो भी आपके घर आए वो भगवान रूप होता है और उसको जो है प्रसाद देना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं इसीलिए मिठाई ताकि वो जो है आराम से बात करे अपना घर समझ करके। जी जी जी। वो यहाँ पर आए क्योंकि उसने हमको चुना है, तो मैं चाहती हूँ कि वो पूरे इस हमको और अपनी पूरी जनता को अपना एक परिवार समझ करके यहाँ पर आए, इसलिए मैं मीठा उनको खिद देती हूँ। जी जी जी। एक सवाल जो है मेरे मन में गूंज रहा था मेरी वादियों में, आप अपनी पार्टी की तरफ से जैसे गठबंधन से आप आई हैं अपना दल एस से, तो आपकी पार्टी का क्या मोटिव है और आप अपनी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे जनता को? मैं अपना दल एस से विधायक हूँ और मैं सिर्फ इतना ही अपनी जनता से अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी की तरफ से जो कि अनुप्रिया पटेल जी हैं उनकी तरफ से यही कहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने वो अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच जा जा करके काम करती हैं और उसी तरह से मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनके पद चिन्हों पर तो नहीं चल सकती लेकिन मैं अपने उनके जरिए जो है आप तक की अपनी हर चीज़ वो पहुँचाती हूँ जो वो अपनी जनता को देना चाहती हैं और ये उनका भी संदेश है कि अपनी जनता को अपनी जनता के साथ हमेशा रहिए और उनके हर काम को अपना समझ करके करिए, बस मैं ये चाहती हूँ। और मेरे अपना दल एस के हमारे आशीष भैया जो कि कैबिनेट उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री हैं उनका भी यही कहना है कि अपनी जनता से हमेशा जुड़े रहिए और अपने लोगों का हर तरह से काम करिए। जनता को जो 2023 निकला उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया, मुझे जो है आशीर्वाद दिया, बुज़ुर्गों ने माता बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया और हमारे भाइयों ने भी बहुत प्यार दिया, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, व्यक्ति सही होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, उसका दिल नेक होना चाहिए, किसी भी कीमत पे वो गलत नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए जनता है पूरी और जनता मेरी पूरी जनता पूरी प्रजा मेरी पूरी है और मेरे यहाँ जो कोई आता है मैं कभी भी उससे कुछ ऐसा सवाल नहीं करती हूँ क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ आसरा लेकर आके आता है, आस लेकर आता है कि मैं अपनी विधायक के पास जा रहा हूँ, हो सकता है मेरा काम करें कि ना करें, हो सकता है मैंने वोट दिया हो या ना दिया हो, जी, जी, लेकिन जी, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मेरे लिए आज मैं हूँ तो वो मेरी जनता है, उसका काम करना उसको आगे बढ़ाना मेरा काम है, बस मैं इतना चाहूँगी कि प्यार सौहार्द से पूरी वर्ष जिस तरह से चला है आने वाला 2024 भी प्रत्येक हमारा घाटमपुर का नागरिक एक एक व्यक्ति
एक एक हमारे भाई बहन माता पिता जो हैं वो सब अच्छे से प्यार दुलार से आगे भी मुझे आशीर्वाद देते रहें, अपना साथ देते रहें, गलत तरफ मत बढ़िए। मेरा सबसे ज़्यादा सब पूरी प्रजा से मेरी यही जो है आपसे मुझे कहना है कि किसी भी कीमत पे गलत मत करिए, अच्छी चीज़ें करिए, आगे बढ़ाइए अपने पूरे घाटमपुर को। विकास की लहर मैं खुद दौड़ करके जा करके मैं सब काम करा रही हूँ आपके, और आगे चल करके भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। कोई भी मेरी जनता जो यहाँ आती है या मुझसे मिलती है उसको मैं कतई भी निराश नहीं करूँगी, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं आने वाले 2024 की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि और विकास की लहर दौड़े। जय जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ में जो है विधायिका जी, और उन्होंने सीधे तौर पर जो है अपने वासिंदों को शुभकामनाएं दी हैं, और ये भी कहा है कि आप लोग जो है नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही, बहुत प्यारी उन्होंने बात कही है कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमेशा से मैं अपनी जनता के साथ खड़ी हूँ। तो सरल और सहज और जो है आसानी से जो है जनता के साथ दरबार में जो है रूबरू होने वाली ऐसी विधायिका जी हमारे साथ यहाँ मौजूद थी, और इसी तरीके से आगे आने वाले समय में भी कई जो है साक्षात्कार में आपकी जो कार्यशैली, आपका काम करने का तरीका है, नवोदय प्लस टाइम्स को की तरफ से जो है हमारी विधायिका जी को बहुत बहुत जो है नववर्ष की शुभकामनाएं, और आपको उसी तरीके से अगले साक्षात्कार में भी मैडम की जो कार्यशैली है और काम करने का तरीका है उनको मिलवाते रहेंगे, उनसे रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिएगा, नवोदय प्लस टाइम्स देखते रहिएगा। मैं शाहिद खान, कानपुर नगर से, धन्यवाद।